Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. What's up, everyone? This is Wicked Rider. Welcome back to my channel. आज है वीकेंड, हम लोग जाने वाले हैं वीकेंड राइड पर. सो आज का डेस्टिनेशन है कृष्णगिरी डैम, जो कि बैंगलोर से ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर दूर है. तो अभी मेरे को राजन ज्वाइन कर चुका है. हम लोग जाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल, वो है हम लोगों का फर्स्ट मीटअप पॉइंट. वहाँ से हम लोगों को ज्वाइन करेंगे संजय भाई, देन उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे होसुर टोल पे. होसुर टोल पे हम लोगों को सारे राइडर्स ज्वाइन करेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे हम लोग अपने डेस्टिनेशन. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it, everything you wanna do, I already done it. And I got you. So, ye aa chuke hain hum log Electronic City Toll. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सुपर बाइक्स भी लेके जा रहे हैं. मीटअप पॉइंट कौन सा है? यही है. ओ भाई क्या साउंड आ रहा है, मस्त एकदम. Awesome feeling होती है. तो अभी हम लोग सारे राइडर्स ज्वाइन कर चुके हैं, अभी सीधा निकलेंगे हम लोग डेस्टिनेशन पे. ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, कुछ कुछ लोगों को पहुंचने में टाइम लग गया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ते में जाने वाला बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ पे. थोड़ा सा भी आप बैंगलोर के जब भी कभी बाहर निकलेंगे तो आपको छोटा मोटा पहाड़ी मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स होते हैं. अभी आगे आने वाले ब्लॉग्स में भी ट्राई करेंगे और सारी चीज़ों को कवर करने का. तो आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही स्मूथ है. ऐसे में अगर चलाने को मिल जाए बाइक तो भाई एक्सीलरेटर तो अपने आप से दबता ही दबता है. स्मूथनेस देखिए बाइक की, एंड अमेजिंग फीलिंग होती है. बिना रुके बस चलते चले जाओ. अभी लेंगे थोड़ा सा टी ब्रेक. तो हम लोग अभी मेन रोड से राइट मुड़ चुके हैं, अभी जा रहे हैं कृष्णगिरी डैम की तरफ. तो ये पूरा विलेजेस पड़ता है इधर आसपास में, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है लोकेशन को पहुंचने के लिए. बट लोकेशन बहुत ही अल्टीमेट होनी है एंड डेफिनेटली सबको पसंद आएगी. तो जो आप जब भी जाएंगे 110 किलोमीटर दूर बैंगलोर से, बहुत ही अच्छी अच्छी लोकेशंस आपको मिल जाएगी वीकेंड राइड के लिए, कभी भी कमी नहीं पड़ती डेस्टिनेशंस की. तो अभी हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे, वो आगे पूरा डैम है. अभी यहाँ से देखते हैं नीचे कैसे जा सकते हैं. तो अभी हम लोग बाइक यहीं खड़ी कर देते हैं, काफ़ी रास्ता नीचे जाने का खराब है. रिस्क नहीं लेंगे भाई, अपना बाइक वैसे भी नया है, अपने को बचाना है भाई. फालतू में गिर गया इधर उधर, बड़ा खर्चा आ जाएगा. देख लेते हैं स्टैंड सही से हिला रहा बाइक नहीं. मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, अभी जाएंगे थोड़ी देर
बैठेंगे वहाँ पे नीचे, रेस्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा था, रेस्ट किया हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट किया, एंजॉय किया वीकेंड को। तो अभी निकल लिए हम लोग बैंगलोर वापस, सेम रूट से जाएंगे। बाकी रूट सोचा था दूसरे रूट से भी जाएंगे, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बाकी रूट। ये वाला स्ट्रेट रोड है इलेक्ट्रॉनिक सिटी से होसुर रोड, बहुत ही वेल मेंटेन रोड है। आपको एक बार भी कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई पैच वर्क कर रखा है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस केस में अगर ड्राइव करना होता। तो अभी थोड़ा सा बाइक भी खींचेंगे, स्पीड एक्सलेट करके देखेंगे कितना स्पीड जाता है। अभी मैंने ज़्यादा तेज चलाया भी नहीं है। बाइक का जो फीलिंग है ना, एकदम मक्खन है। मतलब अगर आप एक बार बस निकल जाओ राइड पे, छठे गियर पे लो, स्मूथली ड्राइव करते चले जाओ विदाउट एनी इंटरप्शन, आपको फील भी नहीं आएगा कि मतलब कितनी स्पीड में हो आप। स्पेशली जब राइडिंग गियर्स पहनते हैं तो उसके बाद फील ही अलग होती है कि आपने, आपको विंड ब्लास्ट वैसे भी कम मिलता है। इवन आपका जो इस बाइक का है राइडिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा है। आई थिंक हमारे कुछ बंधु लोग पीछे पेट्रोल करवाने रुक चुके हैं, तो अभी वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, वो एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। मेरे से पहले के राइडर हैं, कब स्पीड में निकल जाएंगे आगे पता भी नहीं लगेगा। यहाँ से देख सकते हैं छोटे छोटे पहाड़ी है, बहुत ही सही व्यू आ रहा है। आई होप कि थोड़ा सा टाइम होता तो उधर भी जाके एक फ़ोटो शूट करते, बहुत अच्छा लगता है। इधर जो आसपास जो रोड की ग्रीनरी है उसका तो भाई अलग ही लेवल का मज़ा है। अगली बार ट्राई करूँगा एक ड्रोन खरीद के कैप्चर करने का, ऊपर से कैप्चर करने का भाई मज़ा ही अलग होता है। निकलते निकलते भी टाइम भी काफ़ी हो चुका है एंड ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। काफ़ी टाइम लग गया था स्टार्ट करने में ही, एंड ब्रेक भी इस बार काफ़ी ज़्यादा लिए। ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा सा एंजॉय करते हुए जाएं। हालांकि रेस्टोरेंट काफ़ी सारे नहीं हैं यहाँ पे मेन रोड पे, बाकी अगर एयरपोर्ट रोड और बाकी रोड्स पे जाएंगे तो रेस्टोरेंट काफ़ी मिल जाएंगे। यहाँ पे जो पड़ता है वो मेजरली होसुर रोड के पास में ही पड़ता है। तो अगर आपको चेन्नई ट्रैवल करना है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करिए बैंगलोर क्रॉस करते ही, देन उसके बाद सीधा ड्राइव करते हुए निकल जाइए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अपने GoPro की बैटरी भी डाउन आ चुकी है। तो आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ट्राई करूँगा और अच्छी जगह एक्सप्लोर करने का। सो अभी के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। दिस इज़ विकेट राइडर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर।